वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। कितना क्वेश्चन रहेगा? 16 क्वेश्चन रहेगा और क्या रहेगा, सोल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, मैं बताऊँगा आपको कहाँ सोल्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं उसका आपको आप लोग बताऊँगा। उससे पहले क्या है, मैं इसका 24 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं पहले सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगा पूरा समझा के। उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, 16 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्या मतलब सोल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा, उसका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेकआउट करते रहिएगा। मैं एग्जाम से पहले सब पूरा अच्छे से अपलोड कर दूंगा। चलिए आप देखते हैं क्या होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग देम। तो एरर जो होता है वो मतलब उसके कितने टाइप होते हैं और क्या होता है एरर, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जो वीडियो आएगी हम इसी चैनल में अपलोड करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे उसमें वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिस्टेंस। तो जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी नॉर्मलिटी, ये जो होता है सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, मैं इसकी वीडियो एकदम डिटेल में अच्छे से इस क्वेश्चन की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो इसमें से कोई किसी एक का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन देगा, ये क्वेश्चन जो आता है मैं इसको भी अच्छे से आप लोग को बता दूंगा। और फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। या तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछ देगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोल्यूशन। तो मैं दो क्वेश्चन को मिस कर दिया, तो पहले यूनिट में कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं चारों की सोल्यूशन के साथ ठीक है वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आने ही चाहिए, आप ठीक है ना, आपको पढ़ के जाना चाहिए, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और भी सब पढ़ लीजिएगा, पर ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यूनिट 2 में देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, जो थ्योरी होती है इंडिकेटर की उसको पढ़ना है। तो मैं अच्छे से आपको ये जो है ये वाले की भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज नॉन एक्वस टाइटेशन, क्या होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जिसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं रहती, वाटर की जगह हम कोई और यूज़ करते हैं उसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। उसका सिग्निफिकेंट, उसकी महत्वपूर्णता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब इस टाइप, कितने टाइप होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और क्या, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो यूनिट 2 में भी ये 4 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। अब यूनिट 3 में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, यूनिट 3 में देखो क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मोहर मेथड, वोल्हार्ड मेथड और फजान मेथड। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, किसमें पूछेगा, 10 मार्क्स में पूछ देगा या तो 2 मार्क्स में पूछ देगा या तो 7 मार्क्स में पूछ देगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल, मोहर मेथड क्या होता है, कैसे जो टाइट्रेशन होता है, ठीक है, कैसे मोहर टाइट्रेशन होता है, वोल्हार्ड टाइट्रेशन क्या होता है, फजान, इन तीनों में से हो सकता है ये दोनों एक साथ पूछ देगा तो 10 नंबर पूछ देगा, या तो इसको पूछ देगा अलग से या तो इसको पूछ देगा। तो मैं इसको अच्छे से डिटेल पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर वेरियस टाइप इन्वॉल्व इन ग्रेवेटिक एनालिसिस। और ग्रेवेटिक एनालिसिस में कौन कौन सा ये स्टेप होता है वो हम लोग अच्छे से, जो वीडियो आएगी हम लोग उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथड अप्लीकेशन ऑफ डाई एजेटाइजेशन टाइट्रेशन। इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल और मेथड यूज होता है, एप्लीकेशन यूज होता है, उसको भी हम लोग अच्छे से वीडियोस जो आएगी पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, ये भी हम लोग का ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो जो आएगी उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखो क्या क्या है। ठीक है, यूनिट 4 में क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स कर्व इन डिटेल।
एंड शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो एक क्वेश्चन कैसे रहेगा, रेडॉक्स टाइटेशन और रेडॉक्स कर्व, ठीक है ना, इन डिटेल। मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया हूँ, क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताया था शॉर्ट वाले में, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्या अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन आईडीमेट्री और आइडोमेट्री या तो डाइक्लोरोमेट्री, ठीक है, इन तीनों में से या तो इन दोनों को पूछ देगा या तो इसको अलग पूछ देगा, तो क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, तो आप लोग को कम से कम नॉलेज रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन को कैसे हम लोग को लिखना है। तो इसको मैं देखो आईडीमेट्री और आइडोमेट्री जो दो मार्क्स वाला क्वेश्चन अपलोड किया हूँ दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू, उसमें क्या है मैं शॉर्ट में दो मार्क्स के लिए एक्सप्लेन किया हूँ, पर ये लॉन्ग वाला है तो इसको मैं पूरा डिटेल में अच्छे से इसको क्या करूँगा, समझाऊँगा आप लोग को, वो काफ़ी हेल्प रहेगा। जैसे मतलब जितनी भी क्वेश्चन की वीडियो है ना, जैसे एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग उसका जैसे मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, तो आप लोग उसको चेक करते रहिएगा कि प्लेलिस्ट की जो वीडियो कब कैसे आ रही, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी रहेगा टाइम भी रहेगा। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे ना तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, तो क्या रहेगा उनको हेल्प मिल जाएगी और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मतलब और पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट में काफ़ी हेल्प रहती है, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो सही से उनके लिए काफ़ी मदद रहती है, ठीक है। अब यूनिट 5 में देखते हैं क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एंड ड्रा डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कोलेमल इलेक्ट्रोड या तो सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या पूछेगा इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल ये तीनों को क्या करते हैं एक साथ पूछ देगा, ये क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के ये आता है 10 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से वीडियो जो आएगी हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे, इसको टाइम लेके अच्छे से पूरा समझाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो क्या रहेगा, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छे से मार्क्स भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी जो शॉर्ट में पढ़ता है थोड़ा सा उसका प्रिंसिपल बताना, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसके बारे में बताना ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। और क्या होता है, रोटेटिंग प्लेट, या तो ये पूछ देगा, तो ये दो है इसमें से कोई एक पूछ सकता, तो ये ज़्यादा चांस इसी का है यही पूछेगा, पर हम लोग बैकअप के लिए भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइटेशन, ये क्या होता है, कंडक्टोमेट्री टाइटेशन क्या होता है, उसकी टाइप क्या होता है, उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन है आप लोग को ये क्या चाहिए, पढ़ने चाहिए, मतलब उस आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेंगे ना तो आप लोग का काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका जो है देखो मैं 24 शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता दिया, इससे क्या होगा आप लोग को पाँचों और भी मिल जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब एक यूनिट से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लॉन्ग में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में वो काफ़ी मतलब आप लोग को मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए अच्छे से, और ऐसे जो वीडियो है मतलब बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के साथ अच्छे से समझा के एग्ज़ाम टाइम में मतलब, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। और आपका आपने मुझे इतना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।